नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में बुधवार सुबह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के परिसरों पर छापे मारे। बताया जा रहा है कि इस मामले के संबंध में कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर भी छापे मारे गए हैं। हम आपको यह भी याद दिला दें कि ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन घोटाला मामले में पहले भी राज्यसभा सांसद संजय सिंह के स्टाफ सदस्यों और उनसे जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की थी। ऐसा आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए लाई गई आबकारी नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का खंडन किया है। हम आपको याद दिला दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा CBI से इस मामले की जाँच कराने की सिफारिश करने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। CBI जाँच की सिफारिश के बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत एक मामला दर्ज किया था। दूसरी ओर इस छापेमारी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। एक ओर जहां विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, तो वहीं BJP ने कहा है कि घोटाले का कोई आरोपी बच नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने उसके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने संसद में अडानी समूह से जुड़े मुद्दे उठाए थे। देखिए, ये तो संजय जी पहले से ही कह रहे थे क्योंकि वो मोदी और अडानी के इशू पे बहुत प्रखरता से अपनी आवाज उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि इतना क्लियर जब पूरा प्रूफ है मोदी अडानी लिंकेज का और पूरा जो ब्लैक मनी अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। यही कारण है कि आज उनके घर ईडी की रेड पड़ी है। इससे पहले भी कहीं कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ ये सोच रहे हैं मोदी जी कि इस तरह से संजय जी को और हम सबको डरा पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। कोई नहीं डरने वाला है और उतनी जोर से हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। कल पत्रकारों के घर रेड पड़ी, आज संजय जी के घर रेड पड़ी है। मोदी जी देश में तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा है कि उनका बेटा ईडी के साथ सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा, ईडी अपना काम कर रही है, मुझे सटीक वक्त तो नहीं पता, लेकिन सुबह करीब 7:30 बजे वे छापे मारने आए। मैंने ईडी अधिकारियों को बताया कि वे देर रात तक तलाशी ले सकते हैं, हम नहीं चाहते कि वे बार बार आएं। वहीं RJD सांसद मनोज झा ने कहा, अब ये सिलसिला चुनाव तक चलेगा। PM मोदी और अमित शाह की टीम ने ये बता दिया है कि 2024 के चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। दुख जरूर होता, आश्चर्य नहीं हुआ, अब ये सिलसिला चलेगा चुनाव तक। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी की टीम ने आज घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से, कि आधिकारिक घोषणा हो गई है चुनाव की 2024 की। कल न्यूज क्लिक के ठिकानों पर, तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर, और आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी, हम लोग जा रहे हैं बिल सिक करने। तो ये एक पूरा परिदृश्य है। प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को। अब आप यही करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है, लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। मुझे भी खबर है कि क्या क्या सवाल पूछे गए। आप लोग मोदी जी की नीतियों का इतना विरोध क्यों करते हैं? मोदी जी की नीतियों का विरोध करने का मतलब समझते हैं? ये भी सवाल पूछे गए, बताऊं? अब इस देश में ये हालत है कि सरकार की कोई आलोचना करे तो उसे उठा करके डाल दो जेल में। फैसिस्ट स्टेट का एकदम मॉडल है, बिल्कुल सही वाला मॉडल, आदर्श मॉडल, लेकिन खत्म तो सब होता है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था और मैं देख रहा हूं 48 घंटे में पूरे देश में इसकी मांग उठने लगी है। जिंदा आंकड़े चाहिए ना, समकालीन आंकड़े चाहिए, वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए। और जो इसके विरोध में है, कल से मैं देख रहा हूं PM को समझ में नहीं आ रहा कैसे हैंडल करें। चिंता उनके लिए भी होती है, उनको तो गले लगा करके इन आंकड़ों का स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं अपने इसी दौर में घोषणा करता हूं कि जातिगत जनगणना होगी। अरे, प्रधानमंत्री जी की मासूमियत पर तो मन करता है कि सलाम ठोकूं। अरे प्रधानमंत्री जी, थोड़ी समझ है, हिंदू मोनोलिथ नहीं है, उसमें जातियां हैं। सीवर में उतर के मरता कौन है प्रधानमंत्री जी? वो भी हिंदू है। हिंदू समाज का भी भला होगा अगर नॉन फाउंड सूटेबल के नाम पर OBC EBC को विश्वविद्यालयों से खारिज किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी वो भी हिंदू हैं। हिंदू समाज अगर जातिगत ढांचे में आज तक उलझा हुआ है तो उसको सिर्फ हिंदुत्व की धुंधली चादर से आप ढक नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी आइए, आंकड़ों का स्वागत करिए, गले लगाइए इन आंकड़ों को। इसने एक ऐतिहासिक क्षण दिया है देश को,
यहां से करवट लेगी राजनीति। उधर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, संजय सिंह सांसद हैं और निर्भय पत्रकार रहे हैं, उनके घर में छापेमारी हो रही है, हमारे ऊपर छापेमारी होती है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में होती है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और अन्य जहां उनकी सरकार है उधर छापेमारी क्यों नहीं होती। संजय सिंह जो सांसद है, जो एक निर्भय पत्रकार भी रहे हैं, जो खुलकर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, और इस सवाल पूछने का जो गुस्सा था उसकी वजह से उनको पार्लियामेंट से भी निकाल दिया, अब उनके घर पर रेड्स हो रही है। क्या चल रहा है? हमारे ऊपर रेड्स होते हैं, महाराष्ट्र में ये रेड्स होते हैं, पश्चिम बंगाल में रेड्स होते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड में रेड्स होते हैं, गुजरात में क्यों नहीं होते, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होते, और जो जगह है उनकी सरकारें बनी है आसाम, क्यों नहीं होती आसाम में? अगर जानकारी चाहिए तो हम दे देंगे कहाँ रेड्स करना और क्या कहाँ घपले हो रही है। संजय सिंह के ऊपर जिस प्रकार से रेड चल रहा है सुबह से, मुझे लगता है ये तानाशाही की। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि संजय सिंह पर जो आरोप लगे हैं उसके चलते छापेमारी हो रही है और सच सामने आकर रहेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। आज संजय सिंह के यहाँ पर शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि संजय सिंह के कई साथी शराब घोटाले में ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में है और कल जो सरकारी गवाह बने हैं आंध्र प्रदेश के सांसद के पुत्र, उनके बताने के बाद जितने भी लोग इस घोटाले में शामिल थे उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी की यह नीति है कि जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ईमानदारी की बात करेगा। शराब घोटाले के कारण दिल्ली के हजारों सैकड़ों परिवार बर्बाद हुए और इसकी बहुत भारी कीमत दिल्ली की माता और बहनों को चुकानी पड़ी है। दिल्ली के शराब माफिया का पूरा हिसाब किताब जांच एजेंसियां करेंगी। दिल्ली के इन सभी परिवारों को जिनको मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के शराब के खेल ने बर्बाद किया है, उनके साथ न्याय होकर रहेगा। इनमें से कोई भी चोर, कोई भी अपराधी और कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि इस मामले में मंगलवार को तब एक नया मोड़ आ गया था जब दिल्ली की एक अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य मंगूटा श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे राघव मंगूटा और दिल्ली के व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने मंगूटा और अरोड़ा दोनों को माफ करते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने और मामले से संबंधित सभी जानकारी जांचकर्ताओं को देने का निर्देश दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया। हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरत रेड्डी भी इस मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को मंगूटा को जमानत दे दी थी और ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया था। ईडी ने अपने जवाब में कहा था कि चूंकि आरोपी जांच में सहयोग कर रहे हैं और अपराध से हुई आय का पता लगाने में सहायता कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जा सकती है। धन शोधन रोधी एजेंसी ने अरोड़ा को जुलाई में तब गिरफ्तार किया था जब उन्हें CBI की जांच से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी गवाह घोषित किया गया था। हम आपको यह भी बता दें कि यह व्यवसायी कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी थे, जो आबकारी नीति मामले में आरोपी हैं और उन्हें ईडी के साथ साथ CBI ने भी गिरफ्तार किया है। ईडी ने एक पूरक आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया पर दिनेश अरोड़ा के माध्यम से एक अन्य व्यवसायी और मामले के आरोपी अमित अरोड़ा से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। संघीय जाँच एजेंसी ने इस रिश्वत को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध की आय बताया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।